हेलो फ्रेंड्स, मैं बलवान मुदगिल अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हमने आपको बताया था, हम जो है जो हमारा जून 2023 में अभी ये जो रिसेंटली हमारा एग्ज़ाम हुआ नेट का, इसका हम आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले पार्ट ए के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, फिर बी और सी, ऐसे हम कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। यानी जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन आते रहेंगे, एवरी क्वेश्चन का जो है मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन बताता रहूँगा। और यकीन मानिएगा कि पेपर ऐसा है, आप ये कहोगे अच्छा ये क्वेश्चन आए हुए थे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन टिपिकल है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इजी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सभी को मिलता रहे, और आप इन सभी जो क्वेश्चनों हैं इनको आप देख पाओ कि आपने कहाँ गलती की है कहाँ नहीं की है। आइए समझते हैं, ये हमारा क्या है, पार्ट ए का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर एंड डॉटर इज 14:1। मदर और डॉटर की जो प्रेजेंट एज है उसका जो रेशो है वो 14:1 है, और 4 साल बाद आफ्टर 4 ईयर जो रेशो है वो क्या हो जाता है, 16:3 हो जाता है। तो आपको मदर की प्रेजेंट एज, मदर की एज बतानी है जब जो डॉटर है वो पैदा हुई है। क्या बतानी है आपको, मदर की एज बतानी है जब डॉटर पैदा हुई है, यानी डॉटर की एज 0 साल है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को एक तरीका तो टेक्निकल सोल्व करना एक्स वगैरह मान के, लेकिन उसमें टाइम लगता है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, जो एज के क्वेश्चन होते हैं ना ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर पे काम करते हैं। ये जो रेशो है ना 14:1, अब इसके बना लो क्या क्या रेशो हो सकते हैं, 14:1 हो सकता है, डबल कर देंगे तो 28:2, ट्रिपल करके देख लेते हैं, ट्रिपल अगर करते हैं तो 42:3 हो सकता है, ऐसे ही चलते जाएगा। और इनमें से ये देख लीजिएगा ये रेशो किसके साथ मैच होता है, एज, ठीक है। मान लिया मैंने 14:1 है, मतलब मदर की एज 14 है, डॉटर की एज 1 है। अगर मान लो ऐसा पॉसिबल हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए मदर की एज क्या है 14, डॉटर की एज है 1, 4 ऐड करो, 4 इसमें ऐड किया तो 14+4 और 1+4, यानी कि कितना हो जाएगा ये 18 और ये 5, तो क्या रेशो बनता है 18:5 बनता है, जबकि 16:3 दे रखा है। तो ये रेशो तो ये तो हो नहीं सकती कि मदर की एज 14 और डॉटर की एज 1, ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा 28:2 हो जाए कि मदर की 28 और डॉटर की 2, ऐसा करके देख लेते हैं। हाँ 28+4 और 2+4 तो ये कितना हो जाएगा 32 और ये कितना हो जाएगा 6, रेशो देखो कितना है, कैंसिल कर दे तो ये कितना आएगा 16:3, क्या ये पॉसिबल है, हाँ यही है, ठीक है। और ये पॉसिबल है और बाकी ये पॉसिबल नहीं, आप काउंट करोगे तो इसका मतलब ये हमारा सही रहेगा। मतलब क्या रहेगा कि जो डॉटर प्रेजेंट में, डॉटर कितने साल की है 2 साल की, और मदर कितने की है 28 की, ठीक है। आपको एज क्या बतानी है मदर की, कब, जब डॉटर पैदा हुई, मतलब डॉटर जब 0 साल की है तो 2 साल पहले की बतानी है एज। तो इसका मतलब 28 में से जो मदर की प्रेजेंट एज है इसमें से डॉटर की एज को माइनस कर दिया, जो कि आ गई 26, ठीक है। तो मदर की जो एज है जब डॉटर पैदा हुई वो क्या है बच्चों, 26 है। क्या है बच्चों, 26 है। आई थिंक पहला ही ऑप्शन 26 था, फिर 28 था, ऐसा कुछ, ठीक है। और चाहते तो आप इसको बाय ऑप्शन भी देख सकते थे, ठीक है, समझ में आया। या एक्स वगैरह मान के करते हो वैसे भी जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्लियर हुआ, हमने क्या किया, 14:1 है, एज जो है वो पॉजिटिव इंटीजर में, क्योंकि मैंने मान लिया 14:1 का रेशो, 14 और 1 मान ली, 28:2 मान ली, 42 और 3 मान ली, ऐसे करते चले हम। और 4 ऐड करने के बाद ये रेशो देखो कहाँ बनेगा, ये रेशो कहाँ बनेगा 28:2 में, ये रेशो बन जाएगा। तो यहाँ से जो है, यानी कि प्रेजेंट एज जब डॉटर की 2 है तो उसकी मदर की क्या 28, तो आपको बतानी है मदर की एज जब डॉटर पैदा हुई, यानी कि 2 इनमें से माइनस कर देंगे तो यानी कि 26। तो क्या कहेंगे, मदर की एज क्या है 26, ओके। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी ने सोल्व किया होगा, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने में एटमोस्ट आपको 10 से लेकर 15 सेकेंड लगे होंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा ये वीडियो आपको समझ में आई या नहीं। अगर आपको समझ में आया है तो यस कीजिएगा, समझ में नहीं आया है तो नो कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको दोबारा मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ।
ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स हम सभी नेक्स्ट लेक्चर में।